शाहनवाज के और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम आपको 10 मरले का घर दिखाने जा रहे हैं। ये लेक सिटी में घर है, 10 मरले का बहुत ही खूबसूरत बना हुआ घर है। 50x45 इसकी डिमेंशन है, बहुत ही खूबसूरत और डबल स्टोरी घर बना हुआ है। इसका मैं विजिट करवाऊंगा और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी नए आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आए मैं आप लोगों को घर दिखाता हूँ। ये सामने आपको 10 मरले का घर नजर आ रहा है। इसकी डिमेंशन 50x45 है। 30 फीट की रोड्स हैं इसके सामने और कारपेटेड रोड हैं। एक दो गलियां छोड़ के सामने पार्क है। व्हाइट कलर की पेंटिंग की हुई है, बाहर रॉक वॉल की गई है, ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है। अंदर से भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन इसका फ्रंट एक कनाल जितना है क्योंकि इसके प्लॉट का साइज 50x45 है। ये ब्लैक कलर का गेट, बहुत ही खूबसूरत गेट लगा हुआ है, बाहर लॉन भी बना हुआ है। ये इसका गैरेज है जहां पे आप दो गाड़ियां आसानी से खड़ी कर सकते हैं। सामने फ्रंट लॉन भी नजर आ रहा है और गैरेज के ऊपर आपको जो छत नजर आ रही है उसमें बड़ी खूबसूरत सीलिंग की गई है। सामने तस्वीर लगी हुई है अल्लाह के नाम से। और ये देखें, ये इसका लॉन है फ्रंट वाला। मोटर वगैरह लगी हुई है। ये एक बेड और ड्राइंग रूम की खिड़कियां आपको बाहर से नजर आ रही हैं जो कि वेंटिलेशन के लिए दी गई हैं। ये पीछे मैं आपको पहले दिखा दूं, पीछे वाला एरिया भी तकरीबन 5 फुट की गली पीछे भी छोड़ी गई है। वेंटिलेशन के लिए अच्छा इस्तेमाल किया गया है इन गलियों का। पंखा लगा हुआ है बाहर गैरेज में, गैरेज भी कह सकते हैं, कार पोर्च भी कह सकते हैं। अब मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूं। ये स्टेयर बाहर से ही जा रही है इसकी। इस घर को अगर आपने रेंट पर देना है तो आसानी से रेंट पर भी दिया जा सकता है क्योंकि नीचे वाला पोर्शन अलग है, ऊपर वाला पोर्शन अलग है, तो दोनों दो फैमिलियां भी यहां पर रह सकती हैं। सामने आपको ड्राइंग रूम नजर आ रहा है और स्टेयर्स के नीचे आपको पॉडर रूम नजर आ रहा है। छोटा सा वॉशरूम बनाया हुआ है जो कि गेस्ट और आप सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये ड्राइंग रूम है इसका, 14x14 का ये ड्राइंग रूम है। सीलिंग सिंपल सी सीलिंग लेकिन इंतहाई खूबसूरत, और फ्लोर पे वुडन फ्लोर लगाया गया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये ड्राइंग रूम था इसका। अब मैं आपको टीवी लाउंज दिखाता हूं। ये नीचे वाला टीवी लाउंज है, काफी खुला टीवी लाउंज है। 15 फुट इसकी लंबाई है और 14 फुट इसकी चौड़ाई है। ये इसकी सीलिंग है, फनूस लगा हुआ है, दो फैन भी लगे हुए हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। और सामने रॉक वॉल जो कि आम तौर पर पैनल मिलते हैं टाइल्स के, वो लगाए गए हैं। ₹3,15,00,000 इस घर की डिमांड है। अगर आप लोगों ने इस घर का विजिट करना है तो मेरे दिए गए नंबर 03214478088 पर कॉल कर सकते हैं। ये इसका किचन है, किचन भी इंतहाई खूबसूरत व्हाइट कलर के कैबिनेट्स बनाए गए हैं। एक लग्जरी लुक नजर आ रही है, ऊपर इसकी सीलिंग है, ब्लैक कलर का फैन लगाया गया है इसमें। ये देखें, ब्लैक कलर का टॉप और चूल्हा वगैरह लगा हुआ है, व्हाइट कलर के कैबिन और वेंटिलेशन के लिए विंडो। और ये पहले जो मैंने आप लोगों को पीछे वाली गली दिखाई थी तो ये डोर वहां खुलता है जहां पे आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। ये टाइल्स पैनल वाली लगाई गई हैं।
ये फर्स्ट बेडरूम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 12x12 का ये बेडरूम है। वार्डरोब्स इसमें बनाई गई है, वॉशरूम अटैच्ड है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, वुडन फ्लोर है। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम का साइज भी काफ़ी खुला है, 6 फुट इसकी लंबाई है, 5 फुट इसकी चौड़ाई है। ये वॉशरूम की सीलिंग, वॉशरूम में सारी दीवारों पर कलर्स टाइल्स लगाई गई हैं। ये इसका वॉश बेसन और मिरर लगा हुआ है, कंबोर्ड लगा हुआ है और लेटेस्ट डिज़ाइन का इसमें शावर लगा हुआ है। 3,15,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है। अगर आप लोगों ने इस घर का विजिट करना है तो ये लेक सिटी में ये घर है, आप मेरे नंबर पर कॉल करके इस घर का विजिट कर सकते हैं। ये दूसरा बेडरूम, 12x12 का ये बेडरूम है। ये इसका वॉशरूम, व्हाइट और ब्लैक कलर की टाइल्स लगाई गई हैं इसमें, काफी अच्छा वॉशरूम बनाया गया है, खूबसूरत वॉशरूम, लाइटिंग का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। फिफ्टी बाय 45 इस घर की डिमेंशन है, 10 मल्ले का ये हाउस है, इसमें सर्वेंट क्वार्टर भी है। अब नीचे वाला पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, ऊपर वाला एरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर स्टेज जा रही हैं, ये हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ड्राइंग रूम के ऊपर ही एक बेडरूम बनाया हुआ है, 5 बेड का ये हाउस है, 10 मल्ले का ये घर है, 5 बेडरूम है इसमें, 3 ऊपर 2 नीचे। ये इसका वॉशरूम जो ड्राइंग रूम के ऊपर बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पर बेडरूम, ये उसका वॉशरूम है। दस मल्ले का ये घर है, 2 TV लाउंज। और ये इसमें अमेरिकन स्टाइल में किचन बना दिया है इसमें। ये ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर का मैं टीवी लाउंज दिखा रहा हूँ, साथ ही अटैच्ड इसमें अमेरिकन स्टाइल में किचन दिया हुआ है, टीवी लाउंज भी इसके साथ ही है, टीवी भी इंजॉय करें साथ किचन में आप काम भी करें। ये इसकी सीलिंग सेम इसका साइज है, जो नीचे वाला मैंने आपको टीवी लाउंज दिखाया था सेम उसका साइज है ये भी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अमेरिकन स्टाइल का ओपन किचन। ये सेकंड बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर का, 12x12 इसका साइज है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, वार्डरोब्स बनी हुई है, सीलिंग इसमें भी डिफरेंट डिजाइन बनाया गया है, व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं इसमें। और ये इसका वॉशरूम, ये वॉशरूम खुला है, 8x8 का ये वॉशरूम है। तीन करोड़ 15 लाख रुपया इस घर की डिमांड है। अगर आप लोगों ने इस घर का विजिट करना है तो आप मुझे कॉल करके इस घर का विजिट कर सकते हैं, 03214478 पर कॉल करें। ये तीसरा बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका वॉशरूम काफ़ी लंबा है, तकरीबन 9 फुट लंबाई है और 5.5 फुट इसकी चौड़ाई है, बड़ा खूबसूरत वॉशरूम बना हुआ है। 5 बेडरूम का ये घर है, 10 मल्ले का हाउस है, 3,15,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है, 50x45 इसकी डिमेंशन है।
अब मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया, अब मैं आप लोगों को टेरेस भी दिखा दूं एक दफ़ा। ये ऊपर स्टेज जाती है सर्विंग क्वार्टर को, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये इसका टेरेस है जो कि काफ़ी खुला है, और ये देखें सामने आपको एक गली छोड़ के सामने पार्क भी नज़र आ रही है। पानी, बिजली, गैस सारी सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं। ये ऊपर वाले एरिए में हम जा रहे हैं, ये ऊपर छोटा सा स्टोर बना दिया है जिसे ममटी भी बोलते हैं, आप स्टोर भी बना सकते हैं। ये वॉशरूम और एक सर्वेंट क्वार्टर बनाया हुआ ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और इस चैनल का ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।